بسم الله الرحمن الرحيم, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. जी उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे. सैटरडे है, सैटरडे संडे दोनों का भी सेम रेट रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा. अगर मैं अपडेट सिर्फ सैटरडे का कर रहा हूँ, लेकिन कल संडे तो संडे को भी ये सेम रेट रहेगा, ठीक है. और दूसरा, मैं बांग्लादेश के लिए खमीज को भी एक वीडियो बना चुका हूँ, उसको भी वीडियो बना चुका हूँ. मैं खमीस का दिन भी एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, फ्राइडे को भी मैं पूरा एक वीडियो बनाया था, और आज मैं फिर एक रिमाइंडर दे रहा हूँ. जितना भी ट्रांजेक्शन बांग्लादेश के लिए गए, बांग्लादेश का खमीस जुम्मा सब अहद फ्राइडे सैटरडे संडे जितना भी जाएगा, ये आपका मिलेगा थर्सडे से लेके, ठीक है, ये पूरा आपका मिलेगा खमीस का दिन को, यानी 6 तारीख को मिलेगा. वो इसीलिए कि इधर तो हमारा एक अपडेट चल रहा है, इस वजह से थोड़ा डिले है पैसा. 6 तारीख को मिलेगा, आने वाले 5 और 6 तारीख को. प्रॉब्लम ये कि इधर से डिले, इसीलिए आपको अच्छा रेट भी दे रहे हैं. जो कंपनी अपना प्रॉफिट लेते हैं वो भी नहीं ले रहा, जो 15 पैसे उनका अपना एक प्रॉफिट होते हैं वो भी नहीं ले रहा, वो भी आपको दे रहे हैं. सिर्फ इसीलिए कि पैसा कंपनी की वजह से लेट हो रहा है, यानी एक्स वाई जेड जो भी है वो आपको एक तरह से वो बेनिफिट दे रहे हैं कि आपको रेट दे रहे हैं 29.75. ये बांग्लादेश के लिए रेट है, इतना रेट तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा, कल को भी ऐसा भी होगा. बहरहाल रेट आपको अच्छा दे रहे हैं 29.75, तो इसीलिए पैसा भी डिले है, वो अपना एक प्रॉब्लम है इसीलिए, ठीक है. जितना भी बांग्लादेश का पैसा भेजे जुमेरात वाले दिन, फतूर के बाद, अफ्तारी के बाद, जितना भी पैसा भेजे जुमेरात शाम से लेके जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, यानी थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे जितना भी जाएगा, ये पूरा पैसा खमीस वाले दिन मिलेगा. खमीस वाले दिन बोले तो एक हफ्ता लग जाता है, लेकिन पैसा आपका रेट 29.75 मिलेगा, ठीक है, यानी लेट होगा थोड़ा. अपना रेट पर आ जाते हैं. आज 4 महीना का पहला तारीख है, 4 अप्रैल है, 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल 2023 है, सैटरडे हफ्ते का दिन है. ये सेम रेट संडे को भी रहेगा, ठीक है. पाकिस्तान बैंक टू बैंक, पाकिस्तान खाता में भेजने के लिए, अकाउंट में भेजने के लिए 7503 है जी, 18 रियाल चार्ज आएगा. आपका सिर्फ करेक्ट अकाउंट नंबर चाहिए, आईबीएन नाम के साथ चाहिए, कोई भी बैंक अकाउंट में भेज सकते हैं. अगर चेक बुक है आपके पास, चेक बुक का एक पिक्चर है तो वो बहुत बेहतर है, उसमें चीज है कि आपको गलती कुछ नहीं होती, वो डायरेक्ट काम हो जाते हैं, तो चेक बुक का एक ये फायदा होता है आपके पास, तो ये जरूरी है. अगर चेक बुक हो, नहीं भी हो तो भी चलेगा. पाकिस्तान नाम पर भेजने के लिए 7494 है, 23 रियाल चार्ज है. आप UBL, MCB, नेशनल अलाइड, पंजाब बैंक, अल हबीब, मेट्रोपोलिटन बैंक, अल्फाला बैंक, किसी भी बैंक से ले सकते हैं. बस आपका सिर्फ करेक्ट नाम चाहिए, जो कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है. नाम करेक्ट नाम का मतलब शनाख्ती कार्ड का सेम नाम, ठीक है. इंडिया बैंक टू बैंक है, 21.67, 21.67 है, 15 रियाल चार्ज है. थोड़ा अल्टरनेट एप्लीकेशन है, दूसरा एप्लीकेशन है, ट्रायल बेस पर चला रहे, चार्ज 1 रियाल ज्यादा है, लेकिन रेट भी ज्यादा है. जो हमारा अपना है उसका रेट थोड़ा कम है, इसका रेट ज्यादा है, ठीक है. 21.65 रेट है जी, 15 रियाल चार्जेस हैं, 21.67, सॉरी. इंडिया बैंक टू बैंक का रेट है 21.67, 21.67, 15 रियाल चार्जेस है. अभी ये आज दो एक दो दिन के लिए ट्रायल बेस पे एक एप्लीकेशन चला रहे, उसके लिए सेम. इंडिया कैश पिकअप का है 21.55, 21.55 है जी, 25.30 चार्जेस है. मुथूट माणापुरम ये एक्सचेंज किसी से भी मिलेगा, कोई इश्यू नहीं है. फिलीपींस, फिलीपींस फॉर 1 रियल 14.31, 17.25 इज चार्जेस, 14.31 इज फॉर 1 रियल रेट फॉर फिलीपींस. यू कैन रिसीव फ्रॉम सेबुआना, एमडीयू, जी कैश, पालावान, एलबीसी, फिलीपीन पोस्ट एज वेल. यू कैन रिसीव फ्रॉम ऑल्सो एलाइड एक्सप्रेस. If you have bank to bank, bank to bank, you will get good rate for Philippines. For BDO especially, you will get good rate, and it will credit within 1 hour and 2 hours. 14.31 is for 1 real rate, but bank to bank you will get around 14.45 or 50, 14.45 or 50 for bank to bank only. बट वी हैव लिस्ट कस्टमर फॉर बैंक टू बैंक, दैट्स व्हाई दिस अपडेट आई पिकअप रेट ओनली. बांग्लादेश बैंक टू बैंक की जी 29.76, 29.76 है, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, बहुत अच्छा रेट दे रहे. इसमें से आपको सिर्फ इसीलिए भी अच्छा रेट दे रहे कि थोड़ा पैसा डिले हो रहा है, एक हफ्ता इसीलिए भी मिलेगा. किसी को नहीं चाहिए तो नाम पर भेजो, 28.34 मिलेगा, ठीक है. अगर अकाउंट में भेजना है तो 29.76 है, 29.76 है, 17.25 चार्ज है, 17.25 चार्ज है,
10,000 रियाल का ऊपर भेजेगा तो फिर 23 रियाल चार्ज, 10,000 का नीचे है 17.25, 17.25 चार्ज है, 1 रियाल के लिए 29.76 मिलेगा। करेक्ट डिटेल दे दो, आपका ब्रांच, जिला, नाम, अकाउंट नंबर, ये सब सही से चाहिए। अगर राउटिंग नंबर है तो बहुत अच्छे है, राउटिंग नंबर बोले तो आपका ब्रांच कोड होता है, अगर वो है तो बहुत अच्छे है, और अगर वो नहीं है तो फिर कम से कम ब्रांच नेम सही दे दो, जिला सही दे दो, तुम्हारा जिला कौन सा है, तुम्हारा ब्रांच नेम कौन सा है। ताना नहीं चाहिए, ताना अलग चीज है, हमको ताना से कोई गरज नहीं होता, हमको ब्रांच, तुम्हारा ब्रांच कौन सी जगह में है। जैसे हमारा ब्रांच है तो यम्बोल बलद में है, इसी तरह करके जिद्दा बलद में है, मुसादिया में है, निजरान में है, तो जो भी ब्रांच, एग्जैक्ट ब्रांच जिधर होते हैं उधर का नाम चाहिए होता है, ठीक है। जैसे बलद में है तो बलद में, मुसादिया में है तो मुसादिया में, और किसी साइड पे है तो उधर कर सकते हैं, या कोई मेन रोड है तो भी। तो इस चीज का ख्याल रखिए बांग्लादेश का, क्योंकि बांग्लादेश हमारे पास एक चीज का गलत आता है, ब्रांच का, वो पूरा लोग डिस्ट्रिक्ट जिला बताते हैं या ताना बताते हैं, ताना अलग चीज है, आपका ब्रांच अलग चीज है, हमको ताना नहीं चाहिए, ब्रांच नाम चाहिए बांग्लादेश के लिए। तो ये बांग्लादेश का 29.76, 29.76, 17.25 चार्जेस है। बांग्लादेश नाम पर भेजने के लिए 28.34 है, 28.34 नाम पर है, 17.25 चार्जेस है। तो पिकअप बांग्लादेश का 28.34 रेट है, 17.25 चार्जेस है। आप किसी भी बैंक से ले सकते हैं, रुपाली, पुबाली, सोनाली, अग्रणी, इस्लामी, डच बंगला, नेशनल, एनसीसी, एशिया, कोई भी बैंक से ले सकते हैं। जस्ट करेक्ट डिटेल चाहिए, करेक्ट डिटेल बोले तो नाम, जो भी आपका वैलिड आईडी का नाम है वो चाहिए सही वाला, तो किसी भी जगह से भेज सकते हैं, 28.34 रेट मिलेगा आपको। नेपाल के लिए है जी 34.78 है, नेपाल के लिए 34.78 है, 21 रियाल चार्जेस है, 34.78 रेट है। आप कुमारी बैंक से ले सकते हैं, हिमालयन से ले सकते हैं, प्रभु से ले सकते हैं, आईएमई से ले सकते हैं, कुमारी बैंक से, आईपे, ये सब से ले सकते हैं, 34.78 रेट है जी नेपाल के लिए। श्रीलंका 86.16, 21.70 इज चार्जेस, 86.16 इज रेट। इंडोनेशिया फॉर 1 रियल 3,896, 23 रियाल इज चार्जेस, इंडोनेशिया 3,896, 23 रियाल इज चार्जेस। सो दैट्स ऑल फॉर सैटरडे 1 अप्रैल 2023, 1 तारीख का सैटरडे का हफ्ते का दिन है, हफ्ता इतवार दोनों का सेम मिलेगा, कल का भी ये सेम रेट आएगा, 1-2 तारीख का रेट ऐसे ही रहेगा, 1-2 अप्रैल 2023 का रेट दोनों दिन का सेम रेट रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। कल मेरा छुट्टी है तो मैं होऊंगा नहीं, दूसरा रमजान का टाइमिंग है, सुबह 10 बजे से लेके 5 बजे तक खुलते हैं, रात को 8 बजे से लेके 1 बजे तक खुलते हैं। मैं फिर भी एक छोटा सा पिक्चर या वीडियो डालेगा, कोशिश करेगा ताकि मैं उसको अपडेट कर सकूं, ठीक है। तो ये जी रमजान का टाइमिंग और रेट हो गया हफ्ता इतवार के लिए, ठीक है। इंशाल्लाह कोई अपडेट होगा तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज, खुश रहे, आबाद रहे, वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, अल्लाह हाफिज।